हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ केतुल शाह, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। इसके आगे के लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट किया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन किया। ओके, अगर वो आपको समझ में आ गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके ओके, तो ये आज का जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का पहला प्रॉब्लम हम एकदम इजी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ रहे। ठीक है, सी फ्रेंड्स, पहले पूरा प्रॉब्लम रीड आउट करेंगे, फिर कहां से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन मतलब कि प्लेन बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। कोई भी मतलब हेक्सागोन, पेंटागोन, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ऐसे कोई भी शेप है, कोई भी प्लेन आपका है, उसके प्रोजेक्शन मतलब कि एचपी में या वीपी में वो इंक्लाइंड या स्ट्रेट या पैरेलल या परपेंडिकुलर, कोई भी तरह से वो जो एक हमारा आकार है, एक प्लेन है जो पड़ा हुआ है, तो उसका हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम कर रहे हैं वो रेक्टेंगल का कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम प्रॉपरली रीड आउट करते हैं कि रेक्टेंगल कितनी साइज का बनाना है, वो एचपी में पड़ा है या वीपी में पड़ा है, मतलब कि एक्स वाई लाइन के नीचे से स्टार्ट करेंगे या ऊपर से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। प्रॉब्लम ये है कि रेक्टेंगल 30 mm एंड 50 mm साइड्स इज रेस्टिंग ऑन एचपी। रेस्टिंग ऑन एचपी मतलब कि एक्स वाई लाइन के नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा एज्यूम करो अपना वीपी एंड एचपी को। अगर वीपी एंड एचपी हम देखेंगे, एचपी को क्लॉकवाइज डिरेक्शन में अगर मैं रोटेट करूंगी, अगर टॉप व्यू से मैं देखूंगी, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो एक्स वाई लाइन के नीचे जाएगा। इस तरह से तो आपको समझ में आएगा। दूसरा एक है जिससे भी आपको समझ में आएगा कि आपका प्रॉब्लम आपको एचपी में ड्रॉ करना है मतलब कि एक्स वाई लाइन के नीचे, या फिर वीपी में मतलब कि एक्स वाई लाइन के ऊपर कहां पे ड्रॉ करना है, वो आपको समझ में आएगा। रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन स्मॉल साइड विच इज 30 degree इंक्लाइन टू वीपी। क्या बोला है, एक स्मॉल साइड है। स्मॉल साइड मतलब कि रेक्टेंगल है, ऑब्वियसली रेक्टेंगल है तो उसकी दो साइड जो है वो बड़ी आएगी, दो साइड जो है वो छोटी आएगी। तो जो छोटी वाली साइड है, ऑन वन स्मॉल साइड विच इज 30 degree इंक्लाइन टू वीपी, मतलब जो छोटी वाली मतलब कि 30 mm वाली एक साइड जो है वो वीपी को कैसी है, 30 degree इंक्लाइन है। ओके, व्हाइल द सरफेस ऑफ द प्लेन मेक्स 45 degree इंक्लिनेशन विथ एचपी। सरफेस मतलब कि पूरा आपका जो रेक्टेंगल है वो पूरे सरफेस की बात करी है। ठीक है, और सरफेस जो है वो एचपी के साथ 45 degree का एंगल बना रहा है। अभी सरफेस जिसके साथ एंगल बनाता है ना फ्रेंड्स, उसी जगह पे मतलब कि एचपी में यहाँ पे सरफेस एंगल बना रहा है। देखो, सरफेस मेक्स 45 degree इंक्लिनेशन विथ एचपी, मतलब कि आपका प्रॉब्लम जो है, मतलब कि आपका जो प्लेन है वो एचपी में पड़ा है। मतलब कि आपके टॉप से देखोगे आपके पूरे सरफेस को, तो वो आपको एचपी में दिखेगा। ठीक है, मतलब कि आपको आपका जो प्रॉब्लम है, जो प्लेन है, उसको आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन के नीचे। ओके, तो पहले सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन जनरेट कर लेंगे हम लोग। तो दिस इज योर एक्स वाई लाइन। ओके, वन ऑफ इट्स साइड इज रेस्टिंग ऑन एचपी, मतलब कि एचपी में ड्रॉ करना है वो तो समझ में आ गया। एंड जो स्मॉल साइड जो बोली है 30 degree इंक्लाइन टू वीपी, मतलब जो एक स्मॉल साइड है वो इंक्लाइन टू वीपी है, राइट? तो उसी स्मॉल साइड से ही हमें हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। और वो स्मॉल साइड जो है उसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे एंड वहां से ये पहली जो साइड है वो 90 degree पे ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा पूरा जो रेक्टेंगल है वो प्रॉपरली स्ट्रेट बनेगा। ओके, 30 mm साइड बोली है, स्मॉलर साइड। तो ये 30 mm स्मॉलर साइड मैंने ड्रॉ कर ली। फिर जो बिगर साइड है मतलब कि जो बड़ी वाली साइड है वो कितना mm है, 50, वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, एक्स वाई लाइन को पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अगर इससे आपका पैरेलल परफेक्ट नहीं आता है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, ये जो लाइन है वहां से 90 degree
मेजर कर लीजिए, सिमिलरली यहां से भी 90 डिग्री मेजर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रेक्टेंगल की सारी साइड्स जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे रहने वाली है, राइट। तो यहां से हम 90 डिग्री पे, दूसरी साइड हमें कितनी बोली है 50 mm की, राइट। तो ये 50 mm मैंने बना लिया, सिमिलरली नीचे भी हम 50 mm बना लेंगे एंड वो दोनों लाइन जो हमारी लास्ट वाली जो बनी उसको हम ज्वाइन कर देंगे, राइट। वो ऑटोमेटिकली 30 mm ही होने वाला है। सी फ्रेंड्स, डायमेंशन, एंगल सब कुछ परफेक्टली ड्रॉ करना तो वो आपका प्रॉब्लम परफेक्ट बनेगा। सी फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम बनाते जाएंगे, कोई भी पॉइंट हमें मिलेगा वी विल यूज टू गिव नोटेशन टू इट। सो पहले नाम दे देते हैं, मैंने रेक्टेंगल को नाम दे दिया है ए बी सी डी, ओके। चलिए उसके प्रोजेक्शन हम एक्स वाई लाइन पे लेके जाएंगे, ओके। तो ये मैंने उसके प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन पे ले लिए। सी फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन लाइन आप जो भी ड्रॉ करो वो हो सके उतनी लाइट ड्रॉ करना। मुझे वीडियो में आपको क्लियरली दिखे इसके लिए थोड़ी डार्क ड्रॉ करनी पड़े, लेकिन प्रोजेक्शन लाइन जो भी एरो वाली लाइन में ड्रॉ कर रही हूं प्लीज हो सके उतनी लाइट ड्रॉ करे, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, ये ए एंड बी का प्रोजेक्शन, ये सी एंड डी का प्रोजेक्शन, ओके। तो ये पॉइंट आपका सी डैश डी डैश बन जाएगा। चलिए अभी हमें एचपी का एंगल पहले लेना है या वीपी का एंगल पहले लेना है, वो एक कंफ्यूजन स्टार्ट होगा यहां से। तो फ्रेंड्स याद रखना कि आपका प्रॉब्लम जहां पे भी पड़ा है, मतलब अभी आपका प्रॉब्लम कहाँ है, रेस्टिंग ऑन एचपी, एचपी में पड़ा है, राइट। तो एचपी में प्रॉब्लम है तो आपको फर्स्ट एंगल जो लेना है, इंक्लिनेशन जो लेना है वो एचपी के साथ वाला लेना है, ठीक है। तो आपका सरफेस है, ऑब्वियसली आपको जो सरफेस वाला एंगल है वो पहले लेना है, राइट। तो सरफेस वाला एंगल देख लीजिए, सरफेस ऑफ द प्लेन मेक्स एन 45 डिग्री इंक्लिनेशन विथ एचपी। याद रखना आपका जो सरफेस है, सरफेस जहां पे पड़ा है, सरफेस का जो एंगल है वहीं पे हम प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे और सरफेस वाला जो इंक्लिनेशन, मतलब सरफेस वाला जो एंगल है वही हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे। सरफेस वाला एंगल कहाँ है, फर्स्ट किसका है, एचपी का है, राइट। तो वो 45 डिग्री ले लेंगे। सबसे पहले यहां से एक रैंडम पॉइंट हम ले लेंगे एंड सबसे पहले सरफेस का एंगल कितना है 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है। तो ये सरफेस का एंगल बन गया 45 डिग्री, ओके। 45 डिग्री पे एक रैंडम हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फ्रेंड्स पूरे प्रॉब्लम में जो भी मैं पेंसिल से ड्रॉ करूंगी वो लाइट ड्रॉ करना है, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे मैंने एक लाइन बना ली। फिर आपको क्या करना है, अभी इसके प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन के नीचे तक लाने हैं और ये जो रेक्टेंगल है उसके प्रोजेक्शन इस तरफ लेके जाने हैं, ठीक है। अभी ये जो प्रोजेक्शन लाइन आप लाओगे वो एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। तो ये लाइन ऑलरेडी हमारी एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर है, तो हम इसको रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, लेके जाएंगे एंड ड्रॉ, यहां पे भी लेके जाएंगे, ओके। तो दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, तो वो लेने के लिए हमारा आपको ये करना पड़ेगा, ए डैश से सी डैश तक का आपका जो भी यहां पे प्रोजेक्शन आया है वो मेजर आउट कर लीजिए, ठीक है। फिर ये जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है उसको उठा के आपको 45 डिग्री पे रखना है, ये जो प्रोजेक्शन लाइन है उसको उठा के आपको 45 डिग्री पे रखना है, राइट। ये आपका 45 डिग्री का एंगल है, इसको उठा के 45 डिग्री पे, तो ये आपका पॉइंट ऑब्वियसली ए डैश बी डैश बन जाएगा और इसको उठा के मुझे ऐसे रखना है। तो यहां से मैं आर्क ले लूंगी, तो आर्क ले लूंगी, तो ये पॉइंट मेरा कौन सा बन जाएगा, सी डैश डी डैश बन जाएगा, राइट। अभी मैं उसके प्रोजेक्शन नीचे लाऊंगी, ए डैश बी डैश के प्रोजेक्शन मैंने खींच लिए हैं, उसी तरह से सी डैश डी डैश के प्रोजेक्शन भी मैं नीचे ले आऊंगी, ओके। अभी
जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट में से प्रोजेक्शन लाइन आपको खींचना है, ठीक है। यहाँ पे ए एंड डी अगर अलग अलग तरह से होते, अलग अलग जगह पे होते, तो उसके दो प्रोजेक्शन आते, लेकिन यहाँ पे ए और डी का एक कॉमन प्रोजेक्शन ही आएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी बी और सी एक ही लाइन पे है तो उनका भी एक कॉमन प्रोजेक्शन ही आएगा, ओके। तो ये मैंने प्रोजेक्शन खींच लिए है, ओके। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे मतलब कि आप अगर सरफेस जो आपका इंक्लिनेशन में है और 45 डिग्री इंक्लिनेशन है, वहां से मतलब कि टॉप व्यू से अगर आप अपने प्लेन को देखोगे तो वो आपको कैसा दिखेगा, वो यहाँ पे जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बनेगा, ये आपका ए का प्रोजेक्शन है और ये भी आपका भी ए का प्रोजेक्शन है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ए वन, राइट। सिमिलरली ये बी की प्रोजेक्शन लाइन है, ये भी आपके बी की प्रोजेक्शन लाइन है, राइट। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बी वन। सिमिलरली सी एंड सी, तो दिस इज योर पॉइंट सी वन। डी एंड डी, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बन जाएगा डी वन। तो आपको एक यहां पे एक छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है, तो उसको हम डार्क कर लेंगे, समझ में आया। यहां तक हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो सरफेस इंक्लिनेशन जिसके साथ है वहां पे आपको आपका प्रॉब्लम ड्रॉ करना है, सरफेस का जो इंक्लिनेशन है वो आपको पहले लेना है और फिर उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलिए लास्ट अभी इंक्लिनेशन वीपी के साथ बाकी रहा तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो वीपी के साथ एंगल कितना बोला है आपको, ऑन वन स्मॉल साइड विच इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है, और कौन इंक्लाइन टू वीपी 30 डिग्री पे है, जो आपकी स्मॉलर साइड है वो, ओके। मतलब कि जो स्मॉलर साइड जो इंक्लाइन है ना, उसको ही हमने रेफरेंस पहले से लेके रखा था ताकि आपको ड्रॉ करना वो समझ में आएगा, राइट। और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे एंड 30 डिग्री मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से प्रोटेक्टर रखेंगे एंड 30 डिग्री का पॉइंट मार्क कर लेंगे, ओके। स्मॉलर साइड 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, इसके लिए 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो ये 30 डिग्री की लाइन आपकी बन गई, ओके। चलिए फ्रेंड्स अभी आपको क्या बोला है, स्मॉलर साइड इंक्लाइन है, तो स्मॉलर साइड हमारी कौन सी है, हमने इसको रेफरेंस बनाया है ऑब्वियसली, राइट। तो इसको उठा के ये आपकी ए वन बी वन है, अभी इसको आपको पूरा ड्रॉ करना है 30 डिग्री पे, राइट। तो मैं क्या करूंगी, ये जो आपका ए बी वन ए वन बी वन है उसको उठा के मैं ऐसे रखूंगी 30 डिग्री पे। सी फ्रेंड, इसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया है 30 डिग्री पे, राइट। तो आपका पूरा प्रॉब्लम जो है वो ये जो है रेक्टेंगल है वो ऑब्वियसली नीचे की ओर ड्रॉ होगा यहाँ पे, राइट। आप समझ रहे हो, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले ए वन बी वन ड्रॉ कर लेंगे, कंपास से मैंने सेट कर लिया, देख लिया कितना है वो 30 डिग्री ही होने वाला है, राइट। एक रैंडम पॉइंट सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगी, ओके, एंड वहां पे रख के आर्क लगा लूंगी, ओके। इसको उठा के मैं ऐसे रख रही हूं, राइट, इसको उठा के ऐसे, तो ये पॉइंट आपका कौन सा बनेगा ए वन, एंड ये पॉइंट आपका कौन सा बनेगा बी वन, राइट, ओके। चलिए फ्रेंड्स इसको उठा के मैंने ऐसे रखा है तो ये जो डी वन सी वन है वो नीचे की ओर बनेगा, राइट। तो अभी डी वन सी वन ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास दो पॉइंट ऑलरेडी आ गए हैं, बाकी के दो पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं, ड्रॉ करने हैं। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो आपके पास दो पॉइंट है तो आप उसकी हेल्प से ड्रॉ करो। अभी जितना आपका बी डी है उतना ही आपका ए सी है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, बी पे रख के आर्क एंड ए पर रख के आर्क। सिमिलरली जितना आपका
एडी है, देखिए जितना आपका एडी है उतना ही आपका बीसी है, तो मैं क्या करूंगी बी पे रख के आर्क, ए पे रख के आर्क, राइट। तो आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, ओके। तो ये पॉइंट आपका कौन सा होगा और ये पॉइंट आपका कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसको उठा के मैंने ऐसे रखा है, तो ए वाला, ए के नीचे पॉइंट कौन सा जाएगा, डी वन वाला, और ये पॉइंट कौन सा बनेगा, सी वन वाला, राइट। तो अभी हम उसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइन एसी, ये आपकी लाइन एबी, ये आपकी लाइन हो गई एडी, एंड ये आपकी लाइन बन गई डीसी, ओके फ्रेंड्स। ये जो था उसको मैंने डायरेक्टली 30 डिग्री पे सेट कर लिया है, ठीक है। अभी हमें लास्ट व्यू जो हमें ड्रॉ करना है वो हम ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो आपका है 45 डिग्री वाला, उसके प्रोजेक्शन आपको इस तरफ लेके जाने हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स वाई को एक पैरेलल लाइन रेफरेंस, ऑब्वियसली ए बी का तो प्रोजेक्शन लाइन ये ही है, राइट। अभी सी और डी की भी एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे और वो एक्स वाई लाइन को पैरेलल रखनी है, तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट, ओके। अभी ये चारों पॉइंट के प्रोजेक्शन मुझे अपर डिरेक्शन में खींचने हैं, अपर डिरेक्शन में खींचने हैं, ऑब्वियसली वो सारी प्रोजेक्शन लाइन एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ओके, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये लाइन आपकी सारी परपेंडिकुलर ही है, 90 डिग्री पे है, सबसे पहले ये 90 डिग्री पे है, इसके ही प्रोजेक्शन यहाँ पे आया है तो ये भी 90 डिग्री, तो आप इसको रेफरेंस लाइन ले सकते हो, राइट। रोलर स्केल इस पे रखेंगे, बी वन के प्रोजेक्शन, सी वन के प्रोजेक्शन, जितने पॉइंट आएंगे सारे पॉइंट का हम प्रोजेक्शन लाइन अपर डिरेक्शन में खींचते जाएंगे। तो ये सारी प्रोजेक्शन लाइन हो गई आपकी, राइट। अभी चारों के इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे भी हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आपका सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए एंड ये ए बी का लाइन है ना, तो ये जाएगी और ये आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहां पर मिलेगा। सो दिस इज योर लाइन ए वन डैश, उसके बाद बी पे जाएंगे तो बी की लाइन एंड बी की लाइन, ओके, तो ये आपकी हो जाएगी बी वन डैश, उसके बाद सी एंड सी, तो ये देखो समझ में आ रहा है, ये सी की लाइन है, ये सी की लाइन है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सी वन डैश। लास्ट पॉइंट डी, तो ये D की लाइन है, ये भी D डैश की लाइन है, तो इन दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट D1 डैश, राइट। तो अभी हम अगेन उसको डार्क कर लेंगे, तो आप मतलब 30 डिग्री इंक्लाइन पे स्मॉल साइड रखोगे तो आपको वीपी में प्रॉब्लम पूरा कैसा दिखेगा वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट। मतलब कि फ्रंट व्यू आपका कैसा दिखेगा वो जनरेट हो रहा है, ओके दिख रहा है पूरा प्रॉब्लम, अच्छे से समझ में आ गया, ओके फ्रेंड्स। हमने क्या किया, कहां से स्टार्ट किया, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं ताकि इसके आगे वाले चार प्रॉब्लम हम करने वाले हैं पेंटागॉन, हेक्सागॉन, सर्कल के, तो आपको इजी होगा। सी फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कहां पे ड्रॉ करना है, एचपी में या वीपी में, तो उसका सोल्यूशन लाइन में दिया होगा। आपका जो रेक्टेंगल है इज रेस्टिंग ऑन एचपी, ऑन एचपी बोला मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे जाएगा। अभी ड्रॉ कैसे करेंगे, तो उसके लिए वीपी के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसका जो नोटेशन है उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। स्मॉल साइड इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, इसके लिए स्मॉल साइड को हम पहले रखेंगे, राइट। एंड पहले एचपी का एंगल लेंगे या वीपी का, वो कैसे पता चलेगा, जो सरफेस के साथ जो भी इंक्लिनेशन कर रहा है, सरफेस के साथ इंक्लाइन कौन है, एचपी, तो एचपी का एंगल पहले आएगा और वीपी का एंगल बाद में आएगा, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। Thank you.